राइट द करेक्ट कंपैरिजन सिंबल ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू इन ईच बॉक्स। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को जरा बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे। यही वर्कशीट इनके पास भी है तो ये देख भी सकते हैं इससे। बट गर्ल्स में सुकाना बेटे नजर आ रहे थे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बताइए लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू आपको क्या अंदाजा हो रहा है, क्या चीज है इस पहले बॉक्स में, कैसे पता चलाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन है जो बड़ी है या छोटी है। एक तरीका तो ये है कि भाई कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, 1/3 करोगे तुम्हारे पास आंसर आएगा 0.333 और दूसरे में करोगे 7/8 तुम्हारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी, 0 पॉइंट में ही होगी वो भी, बट दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर। 7/8 करोगे ना 0 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन वैल्यू बड़ी आएगी, 0.8 के करीब आएगी ऐसी वैल्यू। तो बेटा आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, बट दिस मेथड इज नॉट एक्यूरेट, मतलब इसलिए वो सही नहीं माना जाता, एक्यूरेट तो है लेकिन अगर हमारे पास ओ लेवल्स में ऐसा कोई क्वेश्चन है और वर्किंग शो करनी हो, यानी एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, और लिखा हुआ हो कि स्टेप्स शो करें, आपने लेस देन या ग्रेटर देन लगाना तो है लेकिन स्टेप्स शो करने, फिर क्या करेंगे? तो बेटा फिर इसका तरीका ये होता है कि आप क्या करो, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करो, 3 और 8 ये सेम कैसे होते हैं, एलसीएम से। 8 और 3 इनका एलसीएम क्या आता है जी, 8 and 3। अच्छा एलसीएम के बजाय इसके लिए लफ्ज ना एलसीडी भी यूज किया जाता है, पता है एलसीडी लोएस्ट, हाँ लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, क्योंकि हम दोनों डिनोमिनेटर्स को सबसे कॉमन छोटा छोटी वैल्यू जो सबसे कॉमन आ रही हो बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3 और 8 का भाई मैं मैजिकल मेथड यूज कर रहा हूँ, क्या बनेगा, 3 1s are 8 वैसे ही रहेगा, फिर 8 से डायरेक्ट कर दो, 3 8s are 24 ही आएगा बेटा, इसमें कॉमन डिनोमिनेटर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना, सेम टेबल में नहीं आते ना, कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो भाई अगर मैं 3 को 24 बनाऊंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से, ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या आएगा आंसर, 1/3 बन जाएगा 8/24, सही है। 7/8 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, तो बेटा बताओ क्या आएगा, 21/24। अब बताओ आप देखोगे कि भाई जब तुमने ये सॉल्यूशन कर लिया, अब तुम ये नोट करोगे कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है, कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है और कौन सा न्यूमरेटर छोटा है, दैट्स इट। तो जो बड़ा है उसी की तरफ आपका जो है वो जो इनइक्वालिटी है उसका माउथ होना चाहिए, बेसिकली आप इसको इस तरह पहचानते हो, भाई ये आया ना, आप बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, 21 बड़ा आ रहा है ना बेटे, सो अवर इनइक्वालिटी का जो ये, जिसे मैं इस तरीके से कहता हूँ, ये जो हिस्सा बनता है ना ये माउथ होता है ना, जैसे ये जो बन रहा है, हाँ तो जो ओपन साइड है ना उसकी, वो उसकी तरफ रखो जो साइड ग्रेटर है, इस तरीके से ये पता लगेगा कि 1/3 इज लेस देन 7/8, और कन्वर्सली यू कैन से दैट 7/8 इज ग्रेटर देन 1/3। ये समझ आया? अब आप इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जल्दी से, 2, 3 और 4 आप लोग जल्दी से सॉल्व करो और मुझे इसकी इनइक्वालिटी सिंबल्स बताओ।
देखें रिमेडियल क्लासेस के बॉयज़ तो सारे आ गए हैं, लेकिन जूनियर क्लासेस की गर्ल्स अभी तक नहीं आई हैं, तो किसी तरीके से अप्रोच करके भेज सकते हैं। अच्छा जी, और क्या है? देखो बेटे, मैं जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सिक्स और फोर का एलसीएम क्या आता है? ट्वेल्व आ रहा है, ट्वेल्व आ रहा है एलसीएम। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं वो देखूंगा। अब ट्वेल्व बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सिक्स को, टू से करूंगा ना, तो वो टू सिर्फ सिक्स को नहीं करना, ऊपर भी करना है। अब मेरी जो फ्रैक्शन बन जाएगी, ये बन जाएगी टू अपॉन ट्वेल्व। अब एंड टू अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, ये बात तो पता है ना, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि जब मैं टू से कैंसिल आउट करूंगा तो वापस वही आंसर आ जाएगा। अब बताओ, इसी तरह यहाँ पर थ्री अपॉन फोर है, फोर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा ट्वेल्व बन जाए, थ्री से करूँगा तो थ्री ऊपर भी किया, तो बेटा अब मेरे पास इधर क्या आंसर आया, नाइन अपॉन ट्वेल्व। अब बताओ, जब डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो फिर ऊपर वाली वैल्यू को देखो, जो बड़ा उसी की तरफ हमारा जो है वो इनइक्वालिटी का सिंबल यूज होगा। ठीक है, अब बात थे जी भाई, तो इसमें क्या सिंबल यूज होगा, अगेन इसमें लेस देन का यूज होगा सेकंड में भी, है ना। अब बताइए थर्ड जी। Which one is greater? Two upon four greater है या नहीं? क्या चेक कर रहे हो तुम अब्दुल्ला, सही से करो यार, सॉल्व करो इसे। बेटा फोर और एट का एलसीएम क्या आएगा, एट आएगा। आप एट को, इस वाले को तो वैसे ही रहने देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई भी टू कर देंगे ताकि ये एट हो जाए, तो क्या आएगा आंसर फिर, ये थ्री अपॉन एट ही रहा और ये बन गया फोर अपॉन एट। सो थ्री अपॉन एट और फोर अपॉन एट के कंपैरिजन में फोर अपॉन एट बड़ा हो गया ना बेटे, समझ आई बात? सो क्या ना, समझ आ रहा है बेटे? इससे ना पता है, इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आईजीसीएसई में ऐसा क्वेश्चन मौजूद है जो के जिसमें आपको अरेंज करने होते हैं। ओ लेवल एग्जाम्स में ना ऐसे आते हैं, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स एक साथ आ जाते हैं और उसमें बोलते हैं अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर फ्रैक्शंस हैं कोई दो और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको ये आइडिया लाजमी होना चाहिए कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर, क्योंकि आपने जब असेंडिंग ऑर्डर करना है तो आपको छोटे को पहले रखना है, उसके बाद उससे बड़े को, फिर उसके बाद उससे बड़े। समझ आ रही है ये बात? चल जी अली, हाँ बेटे, आपने कितने कर लिए इसके? नाइन कर लिए, जबरदस्त। तो बताइए जरा, थर्ड का आंसर भी लेसर था, फोर्थ का क्या है? बेटा मुझे इनइक्वालिटी का सिंबल बताओ क्या आएगा। ग्रेटर देन फोर अपॉन एट, सब यही कह रहे हैं भाई, यही है अहमद, चेक कर लिया। एट और फाइव का एलसीएम 40 आ रहा होगा ना, तो इसको तुमने एट से किया तो फोर एट दार 32 हो रहा है, इसको फाइव से किया तो फाइव फोर दार 20 हो रहा है, सही है, ग्रेटर आएगा, सही है, गुड, शाबाश। अब ये कर चुके हैं तो बेटा अब आप आए, बाकी अब आप खुद सॉल्व करेंगे इसके। अब हम इसके बाद बात करेंगे, बल्कि ये वाले क्वेश्चन मुझे सबसे पहले बताने थे,
ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये तो आप लोग अभी सारे कर दोगे इसको। यहाँ पे तो शो हो रहा है ना, और इसके अंदर भी शेड तो आ रहा होगा या बिल्कुल भी शेड नहीं आ रहा? शेड तो आ रहा है यार, ब्लैक आ रहा है ना। कलर कलर अलग अलग होने भी नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, ये वाली तस्वीर में देखना, इसमें ना ये सारा रीजन शेड हुआ है, बहुत लाइट कलर है ये, तुम्हें बोर्ड में भी शायद नजर नहीं आ रहे हो। खैर बताइए पहले का आंसर क्या है भाई? पहले का आंसर 2/3 है। या नहीं? खावर। बताइए दूसरे का क्या आंसर है? दूसरे का दूसरा ये वाला है। अरे खावर से पूछा, तुम खावर हो क्या है बेटे? आंसर इसका 1/3। बहुत अच्छे, शाबाश। अब बताओ अब्दुल्ला, तुम तीसरे का बताओ मुझे। 5/8 सही है, शाबाश। चौथे का आंसर मुझे बता दें, सुपैना बता दें बेटा। जी बेटे चौथे का क्या आंसर है? आप साथ नहीं चल रहे हो क्या? पिछले महीने तो नहीं हटके गए? शाबाश। हमारे एक क्वेश्चन के ना मैं चार चार पार्ट्स बस सॉल्व कराऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसमें? पार्ट नंबर 7 में देख लो भाई, और कलर कर लो अपने पास इसी साथ। आज एक काम ये कीजिएगा बेटे कि मेरे पास ना अपने व्हाट्सएप नंबर लिखवा दिएगा अपनी अटेंडेंस के साथ, मैं ग्रुप फॉर्म कर दूंगा ठीक है, ताकि ये वर्कशीट्स वगैरह की भी सॉफ्ट कॉपीज भी आपको भेज दूँ अगर कोई। हाँ क्या चीज़ तो बेटा, अभी समझे किससे समझेंगे? फातिमा से समझना है तो बेटे को तो आपकी क्लासमेट है, आप किसी भी टाइम समझ लेना। 9 बजे आपका पेपर शुरू हो रहा है ना बेटा, उसका कुछ हल निकाल लें, क्योंकि क्लासेस तो अब आपकी आपकी मैम ने बोला हुआ है। हाँ अब आप ऐसा करें ना कि आपने फातिमा से ही समझना है, किसी टीचर से पढ़ लें आप तो। मेरा कौन पढ़ाता है? सर हैदर पढ़ाते हैं, उनसे पूछ लें, बता देंगे। मैं नाम से व्हाट्सएप नंबर ले रहे हैं, किसी और तरीके से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं ठीक है। चलो भाई हो गया। चलें जी, इसके बाद अब ये बताओ, अब ये अरेंज द फ्रैक्शंस, अब ये हो जाएगा आप लोगों से। पहला पार्ट जरा करके दिखाओ मुझे। इसका फर्स्ट पार्ट मुझे सॉल्व करके दिखाओ, ये वाला। ये सेकंड पेज पर है, शाबाश। हाँ जी कर भी लिया, पहला पार्ट सॉल्व कर लिया आपने। इसमें क्या सिंबल लगा हुआ है? ये ग्रेटर देन है, लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या हुआ कि आपको इसे कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ठीक है, डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इस सवाल को सॉल्व करना है बेटे। और सबसे पहले टास्क इसमें क्या होगी कि आप 3, 2, 4, 5 सबका लेंगे एलसीएम, समझे?
ऐसे ही नहीं बता सकते कौन ग्रेटर है कौन लेसर है। अभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया, पहले पूरे 3, 2, 4 और 5 का लें एलसीएम, जो एलसीएम आए उससे नई फ्रैक्शंस बनाए और फिर इनके न्यूमरेटर से जज करें कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉल। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग इट। 3, 2, 4, 5 क्या है एलसीएम? करें करें शाबाश। भाई 4 3 12 और 12 5 16, 60 आ गया। सो 60 इज द एलसीएम। 3 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से। तो ये फायदा है ना हमारे कि मैं जितना बड़ा चाहे इसमें करके जो है ना वो सॉल्व कर लूँ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 करना है तो 60 होगा, तो यहाँ भी 20 मल्टीप्लाई करें, हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गई? जी भाई नई फ्रैक्शन आ गई 40/60। सो दिस फ्रैक्शन इज 40/60। थोड़ी सी राइटिंग इसकी जो है ना वो बारीक कर लें और ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 में चेंज हो जाए? 2 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी नई फ्रैक्शन क्या बन गई? बेटा ये क्वेश्चंस आप लोगों ने ना अपने पास इसमें शीट्स लगा के इसको सॉल्व करना है, इस वर्कशीट को, ये पूरी इस पे सॉल्व नहीं होगी ठीक है। इसके बॉर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के आएंगे, आपको इसमें अलहदा से शीट यूज करना होगी। सो अब क्या आ गया बेटे? 30/60। नेक्स्ट जल्दी बताइए इजियान, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को 15 से। शाबाश। तो 3 को भी 15 से किया, क्या बनी नई फ्रैक्शन हमारी? 45/60। लास्ट बताइए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 से। अब बताइए इस फ्रैक्शन का क्या बन गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 12/4 48/60। तो अब देखो कि हमें सबसे इनमें लार्जेस्ट न्यूमरेटर कौन सा है बेटे? 48 है ना सबसे लार्जेस्ट। सो इसकी जो फ्रैक्शन है, ये नहीं करना है कि आपने जो चेंज करके बनाई वो लिख दो, जो फ्रैक्शन ओरिजिनली थी वो यहाँ लिखनी है बेटे। सो 4/5 इज द ग्रेटेस्ट, देन नेक्स्ट इज 45/60 और ये किसकी फ्रैक्शन है? 3/4। समझ आ रहा है बच्चे? फिर नेक्स्ट बताइए 40 वाली कौन सी है? 2/3। और फिर 30 वाली 1/2। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चन जिसमें आपको अरेंज करना हो। नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन, स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय द सेम अप्रोच। भाई 6 9 12 ये सारे 3 के टेबल में आ रहे हैं।
36 आ रहा होगा ना, इन सबके टेबल में 36 आता है, सही है, तो 36 कर लो। अब 36 बनाने के लिए 6 को किससे करोगे? 6 से करोगे तो इसकी नई फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? ये बन गई 6/36। इसी तरह ये किससे करोगे? 4 से करोगे तो ये बन गया 16/36। तीसरी फ्रैक्शन 12 यानी 12 3 दा 36 होता है तो ये बन जाएगा 15/36। और ये 1/3 में किससे करोगे? 12 से करोगे तो ये बन जाएगा 12/36। नाउ कंपेयर विच, अच्छा अब यहाँ पे भी लेसर लिखा हुआ है, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी वैल्यू 16/36 वाली, यानी कि 4/9 सबसे पहले आ जाएगी बेटा। इसके बाद फिर 15/36 वाली कौन सी थी? 5/12। फिर 12/36 यानी 1/3 और फिर 1/6। समझ आ गया सबको हाउ वी अरेंज फ्रैक्शंस? ठीक है बेटे, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। और अब आप आ जाइए, ये पहले पेज का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, जल्दी से मुझे इसके पहले 4 पार्ट सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आ रहा है। शाबाश, अटैम्प्ट कीजिए और मुझे इसके फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व करके बताएं। इजियान स्टॉप टॉकिंग, शाबाश। सही है, शाबाश। नेक्स्ट, पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2/1, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा 4/3। शाबाश, 3/20 सही है, 5/1 शावर। अब आप ऐसा करें, इसको कंप्लीट करते रहिएगा बाद में। अब आप आइए इन क्वेश्चंस में जिसमें हमें यहाँ पर कोई क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है, इसको नोट कर लेना, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो आप ज़रा इनको सॉल्व करने में, आपको पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व स्टेप्स, तो आप इन क्वेश्चंस को अपने पास जब सॉल्व कर रहे होगे, अभी तो नोट कर लो यहीं पे, लेकिन आप इसको जब सबमिट कराओगे तो इस पर शीट्स बेटा एक्स्ट्रा लगा कर फिर सॉल्व करो, ठीक है? अब बताइए इसका क्या आंसर है। पहला तो डायरेक्ट हो रहा है, बल्कि ये सारे ऐसे ही हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन सबके डिनोमिनेटर सेम। चलो ये तो जल्दी से कर लो, बताओ क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एक दफा लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो सॉल्व कर लेते हैं। 2-1 क्या आएगा? पहला गायब है वर्कशीट में। चलो फिर ऐसा करो, लिख लो ना, ये सामने स्क्रीन पे मैंने ओपन किया हुआ है तो इसको लिख लो, फिर सॉल्व कर लेते। चले अब जो मेन क्वेश्चन है ना वो है ये, जिन पे कल भी बात हुई थी कि बॉड मास जिनमें इम्प्लीमेंट होता है। जी तो अब ये जो क्वेश्चन है ना इनको जरा जल्दी से करना शुरू करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1, अब इनको करने के लिए तो आपको शीट्स चाहिए अलग से, तो आपने कॉपी में ही सॉल्व करना है इसको।
ठीक है, तो जरा जल्दी से मुझे पहला पार्ट करके दिखाएं। ओके, क्वेश्चन है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 1/4। जी भाई, तो इसको कैसे सॉल्व किया आपने? सबसे पहले तो मल्टीप्लाई और ऐड दोनों ऑपरेशंस एक साथ लग रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको इनकी सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। आप ये देखोगे कि पहले आपको क्या करना है इसमें, तो पहले आपको क्या करना होगा, बॉड मास के रूल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अब पहले आपका ब्रैकेट ओपन के बाद नंबर आता है वो मल्टीप्लाई का आता है, डिवाइड होता है ना, BODMAS, मतलब पता है ना इसका, ये ब्रैकेट ओपन है, फिर डिवाइड है, और फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कम्स इन द लास्ट। पहला टारगेट क्या है, मल्टीप्लाई करना, तो जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है पहले उनको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा इसका आंसर? 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिलेशन तो हो नहीं रही, और 2 3 से तो 1/6 हो गया बेटे। सो 1/6 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, 1/10 प्लस हो रहा है बच्चे, क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे ना बेटा, क्या आएगा एलसीएम 6 और 4 का? तो आ गया 2 2 4 4 3 एलसीएम इज 12। ठीक है, सो 12 हमने डिनोमिनेटर साइड पे लिखा। अब क्या करेंगे बताइए, 6 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो वो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 1 2 2 मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। क्लियर, तो दरमियान में लगाया प्लस सिंबल जो यहाँ पर था, फिर क्या करा बेटा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, के 12 बन जाए, तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3। सही है, सो 2 और 3 ऐड होके हमारे पास बन गया 5/12। ठीक है, वर्कशीट में से थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अपने पास लाजमी नोट कर लेना, वर्कशीट के ऊपर नहीं लिख सकते तो दूसरी कॉपी निकाल लो जिसपे आप इसे नोट करोगे। बेटा अभी आप इसमें कितना सॉल्व कर लोगे मुझे ये बताओ। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर है 9, इसमें बोला हुआ है 2 होल 3/5 माइनस 5 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 1/7। इस सवाल में कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शंस हैं, और मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना होता है, इनको नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो 2 5s are 10, 10+3, सो नाउ इट इज 13/5 माइनस 5 4s are 20 एंड 1 21/4। मल्टीप्लाई है 8/7। अब इसको सॉल्व करना है अगेन, पहले बॉड मास की ट्रिक यूज होगी क्योंकि माइनस भी हो रहा है मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो बेटा इतने से को सॉल्व करो। 4 1s are 4, 2s are 7, 1s are 7, 3s are, तो बन गया 13/5 माइनस 3 2s are 6 अपॉन 1 1, लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख दो क्योंकि ऐड कर रहे हो, तो 1 और 5 का क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 5 और 1 का एलसीएम हो गया 5। ठीक है, अब इसको किसी को चेंज नहीं कर, मतलब इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, या 1 से समझ लो कर रहे हैं, और इसको किससे कर रहे हैं 5 से, तो 6 5s are 30। ठीक है, 13 माइनस 30 इज क्या हुआ बेटे, माइनस का 17/5। ठीक है, माइनस का 17। क्लियर, ओके। एक क्वेश्चन अब हम ये वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
वन होल वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन होल वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाय टू होल फोर अपॉन फाइव और होल डिवाइडेड बाय सिक्स वन अपॉन एट माइनस थ्री वन अपॉन टू, यानी कंप्लीट को डिवाइड कर रहे हैं इससे। सो ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले टास्क आपको क्या लग रहा है इसमें कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे? वो क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, करें जी नीचे बताइए। 49 अपॉन 8 सही है, ये हमने चेंज किया मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में, कोई कंफ्यूजन? जी बेटा अब बताइए, अब मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और नीचे नीचे भी सॉल्व कर दें, क्यों, रीजन क्या है बेटा? यहाँ पर जो ये डिवीजन साइन दरमियान में लगा हुआ है ना, ये समझ लो ऐसे सॉल्व होगा जैसे यहाँ पर क्या लग गया है, ब्रैकेट लग गया है, तो ये कंप्लीट को डिवाइड करना है ना आपने, तो ये एज अ ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप क्या करो, ऊपर का पूरा सॉल्व कर लो और नीचे का सॉल्व करो। तो टू वन जार एंड टू टू जार एनी अदर कैंसिलेशन, थ्री वन जार थ्री वन जार, अच्छा नीचे तो बेटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना। अच्छा आप ये बताओ ऊपर का क्या आंसर आया, 214 जार 28 अपॉन 5 और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 8 और 2 का एलसीएम आ गया 8। मैंने ये जो बीच वाला ये साइन था ना, इसको मैंने डिवीजन साइन में चेंज किया, 2 और 8 का एलसीएम 8 नहीं आएगा, करके देख लो, करके देख लें। अच्छा ठीक है 8 आ गया, तो अब ये बताइए 49 वैसे ही रहेगा लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 7 4 4 कितना हो गया 28। अभी 28 अपॉन 5 है और ये डिवीजन का सिंबल वैसे ही लिखा रहेगा क्योंकि इसको सिंपलीफाई करने के बाद हम डिवीजन सिंबल को सॉल्व करेंगे। तो बताइए क्या आया, 49 माइनस 28 21, बैठ जाओ बेटे चेयर से, ना थोड़ा सा आगे की तरफ बैठना, इस साइड को कवर करो जी। 21 अपॉन 8, अब डिवीजन सिंबल को हटाना है तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और ये क्या बन जाएगा, 8 अपॉन 21। आप देखिए कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है, 7 3 दा 21 होता है और 7 4 दा 28 होता है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 8 दा 32 अपॉन 5 3 दा 15, सो दैट्स इट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा भाई मैं यहाँ पर